नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, अपने स्क्रीन पर सही पड़ा है, भारत कोई नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देश को इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल तो ऐसे क्षेत्र में बहुत छोटा है, साथ ही अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल का हौसला कभी भी छोटा नहीं हुआ है। अब इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है जिससे इजराइल की भागीदारी फिर से पूरी दुनिया में बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, उसे बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की किल्लत के बीच इजराइल अपने नागरिकों को चौथी डोज देने की तैयारी में है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीन की चौथी डोज स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत के बाद बढ़ते खतरों को देखते हुए इजराइल सरकार ने यह फैसला लिया है। इजराइल दुनिया का पहला देश था जिसने कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का शुरुआत की थी। इजराइल ने यह घोषणा चिकित्सक विशेषज्ञों के टॉप कमेटी के मंगलवार को कोविड-19 से बचाव के लिए टीके के चौथी खुराक देने का अनुशासन करने के बाद की है। समिति ने अनुशंसा की कि तीसरी खुराक लेने के 4 महीने पूरे होने के बाद ही व्यक्ति चौथा खुराक लेने के लिए पात्र होगा। इजराइल में अधिकतर लोगों को फाइजर या बायोनेट के टीके दिए गए हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे शानदार खबर करार देते हुए कहा कि इससे हमें ओमिक्रॉन की लहर से मुकाबला करने में सहायता मिलेगी जिससे दुनिया घिरे हुए है। इजराइल में अब तक ओमिक्रॉन से 341 लोग से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई थी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार वैक्सीन के असमान विस्तार को लेकर नाराजगी जाहिर करता रहा है। दुनिया में कई ऐसे देश है जहां अब तक बहुत कम आबादी को ही कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। इसमें भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी शामिल है। नेपाल में 29.9% आबादी को ही डोज दी गई है, जबकि बांग्लादेश में यह आंकड़ा 27.2% है। खैर, क्या आपने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली है कि नहीं, आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।